हेलो याली मदर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। चलो आज अपने नूरी के किचन में क्या बन रहा है। आज अपने नूरी के किचन में मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस। ये बहुत ही टेस्टी अच्छे बनते हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलो इसमें इन्ग्रीडियंट्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें फ्राइड राइस में इन्ग्रीडियंट्स क्या है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कप भर के चावल लिए थे, तकरीबन 16 ounce। इसको मैंने रात 2 घंटे के पहले भिगोया था। इसमें थोड़ा सा विनीगर डाल के रखा था, फिर इसको मैंने पारबॉइल्ड बॉईल किया। यहाँ पे ये मेरे पास एक स्टिक बटर की है, ये थोड़ी ग्रीन अनियन से चॉप की हुई, ये मिक्स वेजिटेबल है। यहाँ पे तो एक पाव जितना हैलोपिनियो है उसको काट के मैंने रखा है। ये 1/2 pound जितनी चिकन थी इसको मैंने बॉयल करके श्रेड करके रखा है। यहाँ पे ये 3 अंडे हैं मेरे पास, इसको डालूंगी मैं अंदर। और ये सॉल्ट एंड पेपर है। अभी किस तरह से बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने देगची रखी है चूल्हे पे, इसमें मैं ये एक स्टिक बटर डाल रही हूँ। थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा बटर। अभी बटर मेल्ट हो गया अपना, अभी इसमें अपन अंडा डाल के उसको स्क्रैम्बल एग की तरह बना लेंगे। इसको देखिए मेरा अंडा बन गया। ये इसके अंदर अपन चिकन डाल देंगे, ये सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे। अब ये सब मिक्स वेजिटेबल डाल देंगे। कितना कलरफुल वेजिटेबल लग रहा है सब। इसके अंदर अपन राइस डाल देंगे। वेजिटेबल राइस मिक्स हो गए बराबर। अब इसको सिमर पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो चावल तैयार है अपने वेजिटेबल फ्राइड राइस, चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस। देखो अभी मैं देगचा खोल रही हूँ। फू, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारे मज़े के लजीज बने हैं। दाना भी बिल्कुल अलग अलग है। देखो अभी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। फ्राइड राइस तैयार हो गए, बहुत ही अच्छे है चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस। सब वेजिटेबल्स भी नज़र आ रही है, चिकन भी नज़र आ रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है और दाना भी बिल्कुल अलग अलग है, ज़रा भी चिकने नहीं बने। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और खाइएगा, फिर मेरे कॉमेंट में डालिएगा कि कैसा बनाए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओके, याली मदद, बाय, अल्लाह हाफिज़, इन्जॉय।